हेलो दोस्तों, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं ऑटो कैड ट्यूटोरियल्स बाय एमसीजी कैड वर्क्स की एक और नई वीडियो में। आज जो है वो हम बात करने वाले हैं लेयर पैनल की, कुछ बात करेंगे ब्लॉक्स की भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो आप सबके सामने पेश करने से पहले मैं आप सबका जैसे हर बारी शुक्रिया अदा करता हूँ, इस बार भी शुक्रिया करूँगा कि पिछली सारी वीडियोस को जो है वो आपने बहुत अच्छे से सराहा, जो गेमिंग एक नई चीज़ हम लेके आए हैं अपने चैनल के ऊपर, उसको भी आपने बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिखाया और लगभग हर वीडियो 1K व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। और हर वीडियो के ऊपर आज भी कहीं ना कहीं व्यूज़ वगैरह आते हैं। तो दोस्तों, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको ऐसे ही ये चीज़ें पसंद आती रहें इसका हम पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। दोस्तों, एक और बात, मैंने कमेंट्स के अंदर जो है वो देखा जिसमें ये कहा गया कि आप अपने चैनल का नेम चेंज करो, तो दोस्तों ज़रूर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था और इस वीडियो के अंदर भी कह रहा हूँ कि बहुत जल्द आप जो है ये सारे चेंजेस देखेंगे। चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने चेंज कर दिया है, धीरे धीरे चैनल आर्ट, चैनल बैनर, चैनल का नेम, इन सब के अंदर भी चीज़ें चेंज करेंगे। और एजुकेशन के साथ साथ जो इस चैनल के ऊपर फन एक्टिविटी चल रही है उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन को ना खींचते हुए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाय ओपनिंग द ऑटो कैड 2020 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। ये कुछ 3-4 मिनट के अंदर खुल जाएगा और फिर हम बात करेंगे लेयर पैनल की, ऑटो कैड की। और दोस्तों, ये लेयर पैनल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती हैं। जब मैं ऑटो कैड सीख रहा था तब भी मेरे को जो है वो लेयर में तो नहीं बट ब्लॉक के अंदर मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, थोड़ी चीज़ें समझने में मुझे देर लगी थी, बट दोस्तों आखिरी के अंदर मेरे को समझ आ गया था। और मैं वही कोशिश करूँगा कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझा पाऊँ। तो दोस्तों, ये है हमारे पास ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर। अभी जो है वो हम बात करेंगे ऑटो कैड के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में जो अभी नए हैं, कृपया करके वो इससे पहले वाली अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर ये वीडियोस हैं, ऊपर आई बटन के अंदर भी कुछ प्लेलिस्ट और कुछ वीडियोस वगैरह लिंक्ड होंगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह जो हैं वो लिंक्ड होंगी, तो आप जाके वो वहाँ से भी स्टफ चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर तो वो चीज़ हमेशा अवेलेबल है ही, तो आप चैनल को भी देख सकते हो। और साथ ही दोस्तों, चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस और रेगुलर वीडियोस, हर दिन की 2 वीडियो ऐसे करके हम लोग हर रोज़ जो है वो निकाल रहे हैं ताकि आप सब तक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फ़न, एक्टिविटी, हर चीज़ बिल्कुल टाइम पर पहुंच सके और आपको कभी इस लॉकडाउन के अंदर ये ना लगे, या फिर बहुत सारी जगह चीज़ें खुल भी रही हैं बट कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह भी नहीं खुले, तो आपको ये ना लगे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे तो हम घर पे बोर हो रहे हैं। आप एक नई स्किल लर्न करिए, आप गेम्स को देख के कुछ फन एक्टिविटी लर्न करिए एंड एंजॉय करिए विद एंटरटेनमेंट एंड विद एजुकेशन। एंड उसी एक मोटिव वे इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग पे मैंने क्लिक करा, मेरे पास ये है लेयर्स पैनल। अब दोस्तों, लेयर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए। और ये मोस्टली ये चीज़ें जो हैं वो आपको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो हैं वो काम आएंगी। उसके लिए दोस्तों, मैं आपको कुछ रेक्टेंगल्स बना के जो है वो चीज़ें शो करूँगा। आई विल एंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया एंटर यूज़ करते हैं नए कमांड के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से ये मैंने 3 रेक्टेंगल जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। अब दोस्तों, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं और आपको किसी एक
प्रॉपर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो उसे देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है, या फिर आपको उसके अंदर चीज़ें एडिट करनी है, तो आप क्या करोगे? आप इन सबको मूव करोगे, जिससे आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए और चीज़ों को अच्छे ढंग से समझने और अच्छे ढंग से मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमारे लेयर्स का। तो लेयर्स कुछ नहीं है, लेयर्स एक एक ड्राइंग शीट है। आप उसे एक ड्राइंग शीट की तरह लेके चलिए जिसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैं एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, मेरे को एक पूरे हाउस का जो फ्लोर प्लान है वो बनाना है, जिसके अंदर चेयर्स शामिल हैं, जिसके अंदर बेडरूम के बेड्स शामिल हैं, जिसके अंदर गार्डनिंग के पौधे शामिल हैं। सो व्हाट विल आई डू? मैं क्या एक ही ड्राइंग शीट के ऊपर वो सारी चीज़ें बनाऊंगा, या फिर मैं कोई ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा जिसके अंदर वो एक ड्राइंग के अंदर समा तो जाए लेकिन वो अलग अलग फिल्म के अंदर हो? सो इट्स लाइक कि आपके पास एक ड्राइंग शीट है और बाकी सारे एक ट्रांसपेरेंट शीट्स का ग्रुप है, जिसके एक एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं, एंड जब आप उन्हें इकट्ठे रखते हो सो इट बिकम्स अ प्रॉपर ड्राइंग, इट बिकम्स योर फ्लोर प्लान और इट बिकम्स अ प्रॉपर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों, ये मोटिव होता है हमारे पास लेयर प्रॉपर्टीज़ का। आप लेयर प्रॉपर्टीज़ को कैसे बना सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, क्या कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाता हूँ। तो दोस्तों, जब आप लेयर्स पैनल में चलेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक लेयर प्रॉपर्टीज़ होगा। अब लेयर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ कमांड बॉक्स में लेयर टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज़ को क्लिक कर सकते हैं। ये वाला लेयर्स को सेट करने के लिए होता है। सो देर आर टू मेथड्स टू मेक अ लेयर और यू कैन जस्ट सो हम एक बेसिक मेथड का यूज़ करते हैं। हम यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज़ को जो है वो क्लिक करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसा सा बॉक्स आएगा, इसे मैं सामने स्क्रीन के ऊपर आपके कर देता हूँ। ये मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो कर दिया है। सो अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे जो हैं वो आइकन्स हैं। अब दोस्तों, ये जो सबसे पहला आइकन है, इससे हम एक न्यू लेयर बनाते हैं। अब जैसे आपने इस लेयर बॉक्स को ओपन करा तो आप ऑल्टरनेट ऑल्ट प्लस एन दबा के भी एक अपनी नई लेयर जो है वो बना सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे क्या कि आपके पास एक नई लेयर जो है वो खुल गई। अब मैं इस लेयर वन का नाम कुछ भी कर देता हूँ, माय लेयर मान लीजिए मैंने इसका जो है वो नाम रखा। और अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ येलो, ओके कर देता हूँ, और लाइन टाइप वगैरह सब सेम रखता हूँ, और एक माय लेयर के नाम से एक लेयर जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और अब मैं इस माय लेयर के अंदर जो है वो चला जाता हूँ और कोई भी लाइन वगैरह जो है वो ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों, आप क्या देखेंगे कि जो लाइन का कलर है ये है येलो कलर। अब एक और चीज़ कि अगर आपने पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ कर रखे हैं किसी लेयर के अंदर, तो आप उसे कैसे किसी लेयर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं? तो आप वापस से लेयर के अंदर आइए जो हमारी ओरिजिनल लेयर थी। मैं ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसके अंदर, यहाँ से मैंने लेयर को वो करा और यहाँ से मैं इस लेयर को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। और अब आप क्या देखेंगे कि ये वाला और ये वाली लाइन जो है वो लेयर जो माय लेयर वन थी उसके अंदर हैं। तो अब जो है, एक मिनट, वो शायद वहाँ से चला गया। आई हैव फ्रीज द लेयर, आई हैव, मेरे को लॉग आउट करनी है लेयर। मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और इस लेयर के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारे पास लेयर की चीज़। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो इसकी लेयर है वो अपडेट हो जाएगी। एस्केप करता हूँ और जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्लिक करूँगा तब भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी लेयर जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से आपको मैंने दो चीज़ें जो हैं वो क्लियर करवा दी हैं। सबसे पहले, आप किसी लेयर को ऐड कैसे कर सकते हो, न्यू लेयर कैसे बना सकते हो, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हो, और साथ ही आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो पहले से जो ऑब्जेक्ट्स बन रखे हैं आप उन्हें कैसे बना सकते हो, या फिर उस लेयर को सिलेक्ट करके न्यू ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हो। अब दोस्तों, थोड़ी बात करते हैं इसके अंदर की। अब मान लीजिए मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर गया और मेरे को इस लेयर का जो नेम है वो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं राइट क्लिक करूँगा इस लेयर के ऊपर और यहाँ पे रीनेम लेयर, या फिर मैं F2 दबा के इस लेयर को रीनेम कर दूँगा। अब दोस्तों, कुछ की पॉइंट्स लेयर के साथ काम करते हुए, जब भी आपको किसी भी लेयर को डिलीट करना है, मैं आपको एक लेयर को डिलीट करके ही दिखाता हूँ, एक मिनट।
मैं आपको किसी लेयर को डिलीट करके ही दिखाता हूँ। लाइक अगर मैं माय लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा और ये जो ये रेड क्रॉस वाला ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। बट आप देख सकते हैं कि लेयर्स जिसके अंदर लेयर जीरो है या फिर डेफ पॉइंट्स वाली लेयर है उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, जो करेंट लेयर है उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, अगर लेयर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसे भी डिलीट नहीं कर सकते, और एक्सरफ के अंदर डिपेंडेंट लेयर्स हैं तो उसे भी डिलीट नहीं कर सकते। अब दोस्तों आप बताइए कि इस लेयर को हम क्यों नहीं डिलीट कर पाए, इन चारों में से क्या है वो रीजंस जिसकी वजह से हम इस लेयर को नहीं डिलीट कर पाए। सबसे पहली बात, लेयर जीरो एंड डेफ पॉइंट्स ये नहीं है, बिकॉज लेयर जीरो और डेफ पॉइंट्स में से एक भी हमारे पास लेयर नहीं है, ये हमारी बेसिक लेयर नहीं है। दूसरी बात, द करेंट लेयर, तो दोस्तों ये एक रीज़न है क्योंकि हमारी जो करेंट लेयर है वो सिलेक्टेड है माय लेयर, तो वो करंट लेयर है जिस वजह से हम इसको नहीं डिलीट कर पाए। इसके बाद दोस्तों सेकंड मेन थिंग है लेयर्स कंटेनिंग ऑब्जेक्ट। मेरी जो ये लेयर है डेट इज़ माय लेयर, इसके अंदर येलो कलर में दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हैं, सो मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। एक्सरफ डिपेंडेंट लेयर्स वो होती हैं जिसके अंदर आप किसी ऑनलाइन बाहर के ड्राइंग से जो है वो लिंक कर देते हो, या आपके पीसी में अगर कोई ड्राइंग पड़ी है तो वहाँ से आप किसी लेयर को उठाते हो, तो वो वाली होते हैं एक्सरफ डिपेंडेंट लेयर्स। हम इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे आगे चल के अपनी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर, बट अभी के लिए जो है वो हम काम करते हैं, हमें इस लेयर को डिलीट करना है। सो अब हम कैसे इस लेयर को डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों लेयर को डिलीट करने के लिए मेरे को सबसे पहले तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और मूव करना है अपनी ज़ीरो लेयर के अंदर, और मुझे सिलेक्ट करे रहना है ज़ीरो लेयर को भी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ माई लेयर पर जाके मैं इस लेयर को डिलीट अभी भी नहीं कर पा रहा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टिक लगा है। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे आऊँगा और फिर दबाऊँगा डिलीट का ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं कि ये लेयर जो है माय लेयर जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था पूरा लेयर को डिलीट और ऐड कैसे करते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट को कैसे शिफ्ट किया जाता है लेयर के अंदर, या फिर आप एक लेयर के अंदर उस लेयर के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कैसे एक ऑब्जेक्ट्स को जो है वो बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम इन तीन ऑप्शंस की। अब ये तीन ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले है हमारे पास टर्न अ लेयर ऑन और ऑफ। बाय टर्निंग ऑन अ लेयर और बाय टर्निंग ऑफ अ लेयर आप उस लेयर को स्क्रीन के ऊपर शो करना जो है वो ख़त्म कर देंगे। इसके बाद है दोस्तों फ्रीज और थो इन ऑल व्यू पोर्ट्स। जब हम किसी चीज़ का एक प्रीव्यू लेते हैं, एक प्रिंट के लिए लेते हैं, तो अगर आप किसी एक लेयर को एक प्रिंट के अंदर नहीं लेना चाहते हो दोस्तों, अगर वो लेयर फ्रीज है तो आपकी वो प्रिंट के अंदर ज़रूर शो होगी, आपके व्यू पोर्ट के अंदर वो ज़रूर शो होगी, लेकिन अगर दोस्तों वो जो लेयर है वो फ्रीज है, पूरी तरीके से फ्रीज है, एक तो है हमारे पास ऑन का जिसका निशान ये लाइट बल्ब टाइप की चीज़ है, और एक है हमारे पास ये सन का निशान जिसका मतलब है फ्रीज़ या फिर इन लेयर को थो करना। अभी ये हमारी सारी लेयर थो है, तो अगर मैं इस चीज़ का प्रिंट लूँ तो मेरे पास ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शो होंगे। बट अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी लेयर के अंदर, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया उसे एक लेयर के अंदर डाला, आपके पास अनश्योरिटी है कि आपको फाइनल डिज़ाइन के अंदर उसे प्रिंट करना है या नहीं करना, तो आप उसे एक लेयर के अंदर रख सकते हैं, ताकि अगर आपको फाइनल डिज़ाइन के अंदर प्रिंट करना हुआ तो आप उस लेयर को फ्रीज ना करिए, और अगर आपको फाइनल डिज़ाइन के अंदर ना शो करना हुआ तो आप उस लेयर को जो है वो फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट आपकी जो प्रिंट है उसके ऊपर ना आए। अब दोस्तों यही सारे छोटे मोटे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे हैं, एक है ऑफ़, आप किसी भी लेयर को ऑफ़ कर सकते हैं, एक है आइसोलेट, आप किसी भी लेयर को आइसोलेट कर सकते हैं। ये सारी लेयर्स को जो है वो जो भी अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर रखा है उस लेयर को छोड़ के बाकी सारी लेयर्स को जो है वो आइसोलेट कर देगा, यानी कि बाकी सारी चीज़ों को हल्का सा डैमेज या फिर पूरी तरीके से गायब कर देगा, और आप फिर से इस ऑप्शन को ऑन करके इस लेयर्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं आइसोलेट से। इसके बाद है दोस्तों फ्रीज़ का मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप इस सन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक भी करेंगे तब भी ये जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप यहाँ भी क्लिक करते हैं तब भी ये फ्रीज़ हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट कमांड है LAFRZ, दैट इज़ LAYFRZ, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों लॉक करने के लिए। अब अगर मैं लॉक दबा देता हूँ तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू बी लॉक्ड, एंड आप देख
सकते हैं कि इस पूरी लेयर के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लॉक्ड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से कोई भी एडिटिंग ऑप्शन या कोई और सिलेक्शन ऑप्शन यहाँ से परफॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास ये लेयर जो है वो लॉक्ड है। मैं इसको फिर से क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो है वो लेयर ओपन हो जाएगी और अब मैं यहाँ से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेक करंट को। आप किसी भी जो लेयर है, किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की लेयर है, मान लीजिए मेरे पास दो लेयर थी, पहले माय स्टाइल और एक ये वाली लेयर, सब किसी भी ऑब्जेक्ट की लेयर को उसी टाइम इसे करंट बना सकते हैं। मोस्टली तो आप यहाँ से स्लाइड करके उसे यूज़ करना चाहेंगे, बट अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है और आपके पास बहुत सारे लेयर्स हैं और आपको नहीं पता कि उस ऑब्जेक्ट की आपने लेयर कौन सी रखी थी, वैसे तो मैं आपको ये स्पेसिफाई करूँगा कि आप अलग अलग रंग से और अलग अलग नाम से आप डिफरेंट लेयर्स को सेव करें ताकि आपके लिए आसानी हो चीज़ों को समझने में। तो आप यहाँ से जो है उस, अगर आपको नहीं पता फिर भी आप यहाँ से जो है वो मेक करंट करके उस लेयर को करंट में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों टर्न ऑन ऑल लेयर्स, आप सारी लेयर्स को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद है अनआइसोलेट, आप सारी लेयर्स को अनआइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों थ्रो ऑल लेयर्स, अगर आपने सारी लेयर्स को फ्रीज कर रखा है या फिर आपने कुछ लेयर्स को फ्रीज कर रखा है, आप चाहते हैं कि सारे के सारे लेयर्स जो हैं वो थ्रो हो जाएँ, फ्रीज ना रहें, तो आप थ्रो ऑल लेयर्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ है दोस्तों हमारे पास अनलॉक ऑल लेयर्स का ऑप्शन, आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं किसी भी लेयर को सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को। इसके बाद है मैच लेयर, आप दो लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को मिला सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं लेयर की नीचे वाली मेन्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। यहाँ पे है दोस्तों प्रीवियस का, प्रीवियस लेयर्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों चेंज टू करंट लेयर, आप किसी भी लेयर को चेंज कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर के अंदर है, मैं चाहता हूँ कि इस लेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो मेरे येलो कलर के ऑब्जेक्ट के लेयर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएँ, तो मैं उस लेयर को करंट लेयर से मैच कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू अ न्यू लेयर, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके एक न्यू लेयर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लेयर वो आप बारी बारी सारी लेयर्स के अंदर घूम सकते हैं। इसके बाद वीपी फ्रीज इन ऑल व्यू पोर्ट्स एक्सेप्ट करेंट, आप करेंट व्यू पोर्ट के अलावा, मतलब जो व्यू पोर्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, आप उसके अलावा और सारी व्यू पोर्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट को जो है वो व्यू कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों मर्ज, आप कोई भी दो लेयर्स को, मान लीजिए मेरे पास कोई दो डिफरेंट लेयर्स है, एक मैंने नाम दिया है रेड और एक मैंने नाम दिया है येलो, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उन दोनों को जो है वो एक लेयर के अंदर मैच कर दूं, तो विदाउट रिमूविंग द ड्राइंग्स फ्रॉम द प्रीवियस लेयर्स और एनी अदर लेयर, तो मैं उन दोनों लेयर्स को एक ही लेयर के अंदर मर्ज कर दूंगा और मेरे पास दोनों ही ऑब्जेक्ट्स और दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके बाद है दोस्तों डिलीट, आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों मेरे पास लॉक्ड लेयर फेडिंग, जैसा कि अभी मैंने आपको लॉक्ड में दिखाया था, तो उसका ऑब्जेक्ट उसका जो ऑब्जेक्ट का वाइट कलर था वो हल्का सा डिम हो गया था, आप उस कलर डीमिंग को यहां से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों लेयर्स पैनल के अंदर सब कुछ। अब हम हल्की फुल्की बात करते हैं ब्लॉक पैनल के ऊपर। ब्लॉक पैनल पे भी वीडियो जो है वो बहुत जल्द हम लेके आएंगे, या फिर अगर टाइम से ही रहता है तो मैं इस वीडियो के अंदर ही ब्लॉक पैनल को भी कवर कर लूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है वो निकाल लेता हूँ। मेरे पास कोई होगी क्रिएटिंग लाइंस, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, डिज़ाइन सेंटर, एवरीथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड ड्राइंग, प्लीज़ वेरीफाई दैट द स्पेसिफाइड ड्राइंग जो है वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर जाके, मैं दिस पीसी के अंदर जाके डाउनलोड्स में मैंने जो है वो डाउनलोड करी थी आप सबके लिए। सो क्रिएटिंग लाइन्स, डायमेंशंस, एडिटिंग कमांड्स, ऑटो कैड प्रोजेक्ट प्रॉब्लम ये नहीं है। लेट मी सिलेक्ट अ थिंग, प्लॉटिंग मॉडल पर सरफेस मेथड्स टू प्रिसीजन, एडिटिंग कमांड्स, प्रैक्टिस फाइल टू ओपन, cannot find the specified file. Okay, they cannot find the specified file. Okay, no problem. मेरे पास एक drawing है आप सबके लिए, पहले से create करी हुई
तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एक लेयर जो है वो साइन करनी है इसके खुद की, मींस आपको 4 लेयर्स बनानी है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफ पॉइंट्स वाली भी लेयर आ गई है। चलो एक और अच्छा मौका मैं आपको जो है वो सिखा सकता हूँ कि डेफ पॉइंट्स वाले लेयर को कैसे डिलीट करना है। आपको यहाँ पर जाना है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पर्ज का, ड्राइंग यूटिलिटीज़ के अंदर आप जब जाएंगे तो ड्राइंग यूटिलिटीज़ के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं देर इज़ अ ऑप्शन ऑफ पर्ज। तो आप पर्ज कर सकते हैं पूरी ड्राइंग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन है। सो मैं क्या करूँगा, मैं लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और पर्ज कर दूँगा ऑल को और इसे क्लोज कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 लेयर जो है वो बची है और एक डेफ पॉइंट्स की लेयर बची है। डेफ पॉइंट्स की लेयर को हम कभी डिलीट नहीं कर सकते बाय नॉर्मल मीन्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पर्ज कमांड को एक और बार जो है वो लेना पड़ेगा और इसे यहाँ से अनसेक करके ऑल आइटम्स को सेक करके पर्जेबल ऑल आइटम्स को अगर मैं अनसेक करूं ब्लॉक्स पर्ज ऑल का भी ऑप्शन जो है वो आ नहीं रहा, पर्ज नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स से आ नहीं रहा अभी। प्रीव्यू के अंदर आप यहाँ प्रीव्यू के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं फाइंड नॉन पर्जेबल आइटम्स, यहाँ पे भी कोई पर्जेबल आइटम्स नहीं है। सो अभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्ज नहीं कर सकते। आप क्या करें कि आप इसको जो है वो ड्राइंग को जो है वो सेव कर लें और सेव करने के बाद आप देखेंगे क्या कि आप इस सब को जो है वो पर्ज कर सकते हैं। खैर उसके बाद हम अगली कुछ वीडियोज़ में भी करेंगे। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आती या कहीं से नहीं मिलती तो आप कमेंट्स के अंदर लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो वाला डाउट जो है वो क्लियर करके समझा दूंगा कि आप कैसे जो है उस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको 4 लेयर्स बनानी है। सो चलिए 4 लेयर्स जो हैं वो बनाते हैं। डेफ पॉइंट वाली लेयर को भी मैं देख लेता हूँ, अगर मैं रिनेम करके इसे एक लेयर बना देता हूँ, लेट अस गिव इट नंबर 1 और इसके अंदर मैं सेक करता हूँ कलर एज येल्लो। ओके, ये मैंने जो है वो कलर सेक कर लिया येल्लो। और फिर मैं अब एक और लेयर बनाता हूँ जिसे मैं देता हूँ नाम 2 और इसे मैं देता हूँ कलर रेड पूरा। ओके, और फिर मैं देता हूँ एक और लेयर डेट इज़ लेयर 3 और मैं आपको सारी चीज़ें अब यहाँ पे प्रैक्टिस करके दिखा दूँगा। इसे मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर। ओके, और अब मैं दे देता हूँ आपको एक फाइनल लेयर डेट इज़ लेयर 4। आपको भी सेम ऐसी जो है वो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके आप वीडियो बना के भी हमें भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और हम आपकी वीडियोस को भी चेक कर लेंगे कि आपने सही से चीज़ें करी हैं या नहीं करी, हमें उसके अंदर डर नहीं है वो करने के अंदर। तो मैं इस लाइन को सेक करके मैंने आपको सिखाई है कि आपको किस लेयर के अंदर कैसे जाना है। मैं लेयर 1 के अंदर दे देता हूँ, फिर मैं इस एस्केप 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 मैं इसको सेक करके शिफ्ट कर देता हूँ लेयर 2 के अंदर, फिर एस्केप, फिर मैं इसे सेक करके दे देता हूँ लेयर 3 के अंदर और फिर फाइनली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस लाइन को। एक मिनट, एस्केप मार के इस लाइन को मैंने सेक करा और सेक कर लिया 4th पोजीशन को। तो दोस्तों ये थी हमारे पास चारों ही लेयर्स की, चारों ही लेयर्स में हमने 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डाल दिए हैं। अब हाँ, अब जो है आपको ये चीज़ करनी है और आपको हमें जो है वो आप ड्राइंग वगैरह अपनी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ PDF की फॉर्म में। PDF वगैरह आप कहाँ से बना सकते हैं वो मैंने आपको जो हमारी सबसे लेटेस्ट वीडियो थी हिंदी वाली AutoCAD इन 2 आवर्स के बाद जो हमारे पास वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने बेसिक इंटरफेस जो है वो डिस्कस करा है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं AutoCAD की, तो आपको वहाँ से जो है वो ये चीज़ें मिल जाएंगी। खैर अभी जो है वो मैं आपको कुछ ऑप्शंस यूज़ करके दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था मर्ज लेयर का, तो मैं आपको मर्ज लेयर का ऑप्शन जो है वो चूज़ करके दिखा सकता हूँ। सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मर्ज और एंटर कर दिया और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मर्ज, तो ये दोनों जो है डू यू विश टू कंटिन्यू, यस। सो आप देख सकते हैं कि
एक लेयर जो है वो डिलीट करके एक लेयर का जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो हमारे पास लेयर नंबर 2 थी रेड कलर वाली वो डिलीट हो चुकी है और उसका सारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस लेयर के अंदर मर्ज हो गया है। तो दोस्तों ऐसे होता है काम, जो टारगेट वाली लेयर है वो बची रहेगी और जो जिस लेयर से आप ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं वो डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही लेयर रहे और आप पहले 2-3 लेयर बना चुके हैं फिर आप चाहते हैं कि एक ही लेयर के अंदर ये दोनों चीज़ें रहनी चाहिए, तो आप इस मर्ज लेयर ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास ये है वीपी फ्रीज, इसका मैं आपको बाद ही में यूज़ कराऊंगा। लेयर वॉक, आप लेयर वॉक कर सकते हैं, आप पहले 0 लेयर के अंदर जा सकते हैं, आप एक लेयर के अंदर जा सकते हैं, आप थर्ड लेयर के अंदर जा सकते हैं, फोर्थ लेयर के अंदर जा सकते हैं, मतलब जिस भी लेयर के अंदर हैं आप उसके अंदर जो है वो जा सकते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट लेयर, जैसे मैं 0 में गया तो मेरे को सिर्फ 0 लेयर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, जब मैं फर्स्ट में गया तो मेरे को सिर्फ फर्स्ट का दिख रहा है, फिर मैं थर्ड में गया 3 का, 4 में गया 4 का, एंड आप इसे ऐसे करके क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास वॉक थ्रू लेयर का ऑप्शन। इसके बाद है कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर है कॉपी सिलेक्ट, मैं कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट, एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और डेस्टिनेशन लेयर, मैं इस लेयर के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस लेयर के अंदर एक और कॉपी जो है वो इस सर्कल की जो है वो तैयार हो गई थी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट करा है, अब ये मैं इसे कॉपी का दिवा दूंगा। अब ये मेरे को कह रहा है सिलेक्ट एन डेस्टिनेशन लेयर, मैं बेस पॉइंट ऐसा सा कुछ दे दूंगा और आप देख सकते हैं कि मेरे पास सर्कल जो है वो बन गया है और मैं इस सर्कल को कुछ यहाँ प्लेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है ये हमारे पास अभी जो है फ़िलहाल वो 0 लेयर के अंदर जो है वो हुआ है, बिकॉज हमारे पास डिफ़ॉल्ट लेयर 0 लेयर थी। मैं कोई बात नहीं, मैं इसे फोर्थ लेयर के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दूँगा, तो मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो फोर्थ लेयर के अंदर जो हैं वो बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास लेयर के अंदर। अब एक ऑप्शन जो है वो है चेंज टू करेंट लेयर, आप किसी को भी चेंज, आप किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की जो लेयर है उसे चेंज कर सकते हो करेंट लेयर के अंदर। जैसे ही मैंने इसके अंदर देखा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू बी चेंज टू द करेंट लेयर, इन दोनों को सेलेक्ट करा, एंटर प्रेस करा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये वाइट कलर का हो गया है, यानी कि ये जो लेयर 0 थी उसके अंदर जो है वो चेंज हो चुका है। अब दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन था डेट इज़ प्रीवियस, आप प्रीवियस लेयर्स को आप अनडो कर सकते हैं, प्रीवियस चेंजेस को, यहाँ से लेयर्स के अंदर आपने जो भी प्रीवियस चेंजेस करे हैं आप उसे अनडो कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। सो दोस्तों ये थे सारे ऑप्शन हमारे लेयर्स पैनल के अंदर। वीडियो कुछ 26-27 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो ब्लॉक पैनल वाली जो वीडियो है ये मैं एक नई वीडियो ही बना के दूँ आपको, लेयर और ब्लॉक पैनल की जो वीडियो है वो इकट्ठे ना करवाऊँ। उसकी जगह मैं आपको अभी जो है वो मैं आपसे बात करके कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको और बता दूं। एक तो जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमें मैसेज मिल चुके हैं आपके कि डेट यू वांट, हाँ सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि आपको जो है आप इस ये ड्राइंग है इसे प्रैक्टिस करके जो है वो हमें ज़रूर भेजिए। आप अपनी वीडियोस बना के हमें भेज सकते हैं, हम आपको पेश करेंगे हमारे वीडियोस के अंदर, हम आपकी क्लिप्स वगैरह को ऐड करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप हमें जो है वो वीडियो बना के भेजिए एंड अच्छा लगेगा हमें भी, बिकॉज जब आप इन चीज़ों को ट्राई करेंगे खुद तो हमें भी लगेगा कि जो हमारी मेहनत है वो एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। खैर दोस्तों जो मैं और बात कर रहा था वो थी कि मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स देखे चैनल के ऊपर जिसमें के अंदर आपने कह रखा है कि चेंज कीजिए चैनल आर्ट, चेंज कीजिए चैनल डिस्क्रिप्शन। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप बस कुछ टाइम रुकिए, बस कुछ बहुत फ्यू डेज़ का टाइम, हम अपना जो चैनल आर्ट है और जो चैनल बैनर है या फिर चैनल डिस्क्रिप्शन जो है वो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, जो हमारे चैनल का नेम है इन सबको चेंज करने के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। और दोस्तों ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी पड़ती हैं, इसलिए जो है वो कुछ देर हो रही है इन सब चीज़ों में, लेकिन आई प्रॉमिस कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। साथ ही दोस्तों एक और बात कि आपके
ऐसे ही अगर कोई भी सजेशंस वगैरह होते हैं तो हमें ज़रूर भेज दीजिएगा। बिकॉज़ क्या है कि मैंने ईमेल के ऊपर आपके जो है वो बहुत सारे सजेशंस सुने हैं, लेकिन कमेंट्स के अंदर आप कुछ दिनों से हमें जो है वो कुछ सजेशंस कम दे रहे हैं। तो दोस्तों कोशिश करिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या फिर अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे तो उसके बारे में कमेंट्स में भी लिखना चालू कीजिए। वैसे तो 10, 11, 12, 13 कमेंट्स हर वीडियो के ऊपर आते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमें आपका सपोर्ट और मिले और हम इस चैनल को पूरी तरीके से एक बड़ा चैनल जो है वो बनाने के अंदर कामयाब हों। और जैसे आप इस चैनल से स्टडी कर रहे हैं वैसे ही और बच्चों के पास और स्टूडेंट्स के पास भी ये चैनल पहुँचे। और हमने जो है वो गेमिंग वगैरह इस चैनल के ऊपर हम कर ही रहे हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको इन गेमिंग वगैरह और ये फ़न एक्टिविटी जो चैनल के ऊपर चल रही है वो कैसी लग रही है, और आप क्या चाहते हैं कि हम और भी गेम वाले जो वीडियोस हैं वो इस चैनल के ऊपर लाएं। अभी जैसे हम चैनल के ऊपर डूम इंटरनल 2020 गेम खेल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम और भी जो गेम की वीडियोस हैं इस गेम से इतर वो इस चैनल के ऊपर लेके आएं। और ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स तो इस चैनल के ऊपर हमेशा से रहेंगे। वैसे ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स के आप पिछली वीडियोस देखना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। आपके पास बहुत सारी प्लेलिस्ट वगैरह वहाँ पर अटैच रहती है। साथ ही अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जब इस वीडियो की एंडिंग होगी तो एंड स्क्रीन के ऊपर भी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो लगी होंगी, तो आप वहाँ से जाके भी इसे देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नए हैं और आपको ये चैनल जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगता है या फिर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और अभी और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप पूरी वीडियोस को देखते हैं यहाँ तक, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। साथ ही जो बेल आइकन है उसे ऑल पे शिफ्ट कर दीजिए ताकि जो जो वीडियोज़ जो जो हम रेगुलर अपलोड्स करते हैं, एक दिन की लगभग 2 वीडियोज़ के करीब हम अपलोड कर देते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर ये वीडियोज़ का जो अपलोडिंग टाइम है इसे भी हम बहुत कम कर देंगे और 2 की जगह 3 वीडियोस की भी ट्राई करेंगे। तो आप सबके लिए फोर ऑफ फन एंटरटेनमेंट साथ ही जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से लेके आएंगे, पहुंचाएंगे हर एक बच्चे तक, ये हमारा वादा है। और दोस्तों मेरे को जो है वो ड्राइंग्स वगैरह मिलती रहती हैं बच्चों की ईमेल के ऊपर, तो आप भी जो है वो ट्राई कीजिए। अगर आपने नहीं भेजी है और अगर आप भेजते हैं तो आप और भेजिए ड्राइंग, प्रैक्टिस कीजिए ऑटोकैड को पूरे तरीके से। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट छूट गया है तो आप हमारे इंग्लिश वीडियो जो इसी लेयर पैनल के ऊपर है उसके अंदर ब्लॉक पैनल की भी बात कर रखी है, तो अगर आप वो डिटेल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या फिर और कवर करना चाहते हैं ऑटोकैड के ऊपर, तो वो इंग्लिश के अंदर जो है वो वीडियोज़ पहले से हमारे चैनल के ऊपर है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन के अंदर लिंक्ड है, तो दोस्तों वो आप देख सकते हैं। और जी तो इस वीडियो के ऊपर जो है वो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा तो वो भी कमेंट करके बताइए। दीजिए अपने सजेशन, हमसे जुड़िए हमारी ईमेल आईडी के ऊपर, डेट इज़ mcgcreations793@gmail.com। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये जो ईमेल आईडी है ये प्रोवाइड की गई होगी, तो आप देख सकते हैं। एक हमारी खास वीडियो है डेट इज़ ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स कम्प्लीट इन 2 आवर्स, उसका भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप पूरी ऑटोकैड जो है वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप उतना समझना चाहते हैं जिससे कि आपको ऑटोकैड के अंदर काम आ जाए, तो आप उस वीडियो के ऊपर जाके भी उसे चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो से भी अपना पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द हम नई वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे, आप तक लेके आएंगे ताकि आपके एजुकेशन में ब्रेक ना लगे। अभी आप सब के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप सब सेफ़ रहें, आपकी फैमिलीज़ वगैरह सेफ़ रहें, घर से बाहर जब ज़रूरी हो तभी निकलिए, बिकॉज़ अब जो है वो सिचुएशंस और बेकार होती जा रही हैं एंड वी हैव टू फाइट इट लाइक यूनाइटेड कंट्री। और यूनाइटेड कंट्री में अगर सब अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे तभी जो है ये कंट्री और महान बनेगी, और तभी जो है वो इंडिया इस COVID-19 की सिचुएशन को, इस कोरोना वायरस को जो है वो पार पा सकता है। तो दोस्तों मैं हूँ विराज, आप सबसे अलविदा लेता हूँ कुछ क्षणों के लिए। अगले
कुछ दिनों के अंदर और भी वीडियोस आएंगी, बहुत सारी वीडियोस आएंगी। आईसो ड्राफ्टिंग, ग्रिप एडिटिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हमने इंग्लिश की अपनी सीरीज़ के अंदर भी, जिसके अंदर हमने ऑटोकैड डिटेल्ड की वीडियो का इंग्लिश के अंदर बनाया था, उसके अंदर भी जो हमने चीज़ें नहीं करवाई वो इस चैनल के ऊपर आ रही है। और फिर दोस्तों एक मोस्ट एक्साइटेड सीरीज़ दैट इज़ द ऑटोकैड 3D की जो सीरीज़ है वो भी इस चैनल के अंदर आएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या हैं आपके व्यूज़। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगले वीडियोस के अंदर। ऐसे ही प्यार बनाए रखें हमारे गेमिंग वाली वीडियोस को भी, और इन ऑटोकैड वाली वीडियोस को तो माशाल्लाह आप पहले से ही बहुत पसंद करते हैं। तो बाय दोस्तों, होप करता हूँ कि आप सभी सेफ़ रहें। एक और बारी फैमिलीज़ वगैरह के लिए बहुत सारी दुआएं, आप सबको प्यार, और शेयर करते रहिए जो आपकी ड्राइंग्स वगैरह हैं और ऐसे ही चीज़ों को।